तो नॉर्मली इसके बारे में तो ज्यादा बात करनी नहीं है, क्योंकि सारे नए लोग पुराने लोग हैं वो तो जानते ही कि हर टाइम पे हम जब हेल्दी लाइफ की बात करते हैं तो वही है कि फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, सोशल, ये सारी चीजें आपके पास है तो एक आप हेल्दी लाइफ इंजॉय कर रहे हो। ये आज का फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि ये पांच चीजें जो है आज कहीं ना कहीं पे किसी न किसी के साथ मिसिंग में जा रहा है कि नहीं, और उसके पीछे क्या रीजन हो सकता है। तो ये है कि इसके अंदर थिंकिंग एंड स्पेंडिंग पैटर्न चेंजिंग टुवर्ड्स द कंजम्पशन एंड प्रॉपर न्यूट्रिशन, यानी कि आज जो हम प्रॉपर न्यूट्रिशन का कंजम्पशन लेने की बात करते हैं, क्या वो प्रॉपर वे में हो पा रहा है? अगर आप खाना खा रहे हैं तो वो खाने के अंदर आपको बैलेंस न्यूट्रिशन मिल रहा है क्या? वो नहीं मिल रहा है तो क्या होगा? नेचुरली है कि आपका स्टिल देयर इज रेजिंग हेल्थ इश्यू रहेगा कि नहीं रहेगा। और इसके वजह से अगर हेल्थ इश्यू रहेगा तो उसका इफेक्ट कहां आएगा? नेचुरली आप कहीं ना कहीं पे डॉक्टर के पास जाएंगे तो वहां पर आपके मेडिसिनल बजट, हॉस्पिटल बिल्स इस पे आएगा, बराबर है? आप यहां पे आपको बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर आपका न्यूट्रिशन अच्छा है, आपका खुराक अच्छा है, देखो तो हमारे शरीर के लिए, बॉडी को चलाने के लिए हमें तीन चीजें तो बहुत जरूरी है। एक तो है हवा, इसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है, करेक्ट है ना? पानी, पानी लेना है, बैलेंस पानी लेना है, कितना लेना है? हर 20 किलो के ऊपर एक लीटर। मैं हमेशा चिल्ला के कहता हूं कि उतना पानी पिया कीजिए, क्योंकि आपका शरीर 70% पानी से घिरा हुआ है, उसको कहीं से तो डालना पड़ेगा ना, अंदर तो ऑटोमेटिक पानी बनेगा नहीं। तो ये 70% पानी बैलेंस करने के लिए आपके वजन के हिसाब से आपको एक लीटर, 40 किलो है तो 20 है दो लीटर, 60 है तो 3 लीटर, इस तरीके से बैलेंस करना है। ठीक उसी तरह से आपको फूड जो खाना है वो फूड न्यूट्रिशियस फूड खाना है, जहां से आपके विटामिन, मिनरल्स, एंजाइम्स, ये सारी चीजें होगी। और इसके अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो आपकी बॉडी नहीं बनाती, वो हमें फूड पे डिपेंड रहना पड़ता है, वो फूड के थ्रू ही अंदर जाएगा तो वो एलिमेंट्स मिलेंगे, वरना हमें बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, सो सॉल्यूशन क्या है? इट्स नॉट रियली डिपेंडेंट ऑन द न्यूट्रिशन, द सॉल्यूशन इज मोर ऑन बैलेंस न्यूट्रिशन, यानी सिर्फ न्यूट्रिशन के ऊपर ही सॉल्यूशन नहीं है, एक बैलेंस न्यूट्रिशन, यानी कि अगर आप घर के अंदर समझिए कि चपाती बना रहे हो, उसके साथ में दो सब्जी बना रहे हो, दाल बना रहे हो, चावल बना रहे हो और जो भी सैलड वैलड बना रहे हो, इसके अंदर कितना बैलेंसिंग है वो इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है। और यही कारण था कि मैं बहुत बार आप लोगों ने सुना होगा कि मैं जब पार्टनर का पीपीटी देता हूं तब मैं हमेशा कहता हूं कि आपके इस प्रिलिम के अंदर दो सब्जी तीन सब्जी ले रहे हो नॉर्मली, तो आप एक सब्जी का त्याग करो और उस वाटी के अंदर आप स्प्रिलुना का कैप्सूल या टैबलेट डाल के उसको बैलेंस करो, क्योंकि वो सभी चीज वहां से बैलेंस होगी। तो ये मेन इंपॉर्टेंट होता है, जो इसका की फैक्टर है वो है बैलेंस न्यूट्रिशन, जो कि मेन इंपॉर्टेंट चीज है, जो आज कोई नहीं कर पा रहा है। क्यों? कि मॉर्निंग में तो सबसे पहले हमारी आदत ही नहीं कि हम नाश्ता करें, हम भाग रहे हैं भाग रहे हैं भाग रहे हैं, है ना? तो खाली पेट, रात से आपने खाना खाया, सुबह में भी आपने नहीं खाया, आपका पीएच लेवल बढ़ रहा है, एसिडिक बहुत ज्यादा हो रहे हैं, एसिडिटी बढ़ गया, एसिडिटी बढ़ेगा तो नेचुरली आपका ब्लड सर्कुलेशन विदेंड हो जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा तो क्या होगा? नमनेस और जगह पे फ्री रेडिकल्स का प्रॉब्लम और उसके साथ साथ में आपकी और तकलीफें आना शुरू हो सकती है। तो इसके अंदर एजिंग का भी प्रॉब्लम आता है फिर, तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सो व्हाट वी आर टेकिंग टुडे विल नॉट कंपेंसेट एनी, यानी कि आज जो आप खा रहे हो क्या ये चीज को पूरा कर पा रहा है? इसीलिए तो हमें क्या करना पड़ता है? फूड सप्लीमेंट देना और फूड को सप्लीमेंट्री करना पड़ता है। जैसे कि इसके लिए ही मैंने कहा था कि ये इतने सारी चीजों के साथ में आप स्प्रिलुना ऐड करो तो आपको, क्योंकि उसको क्वीन ऑफ न्यूट्रिशन कहा गया है। तो यहां पर अभी जो स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स आए हैं उसके बारे में आगे जाएंगे तो आपको ये पता चलेगा कि क्या है। ठीक है, सो अगर ये कंपनसेट नहीं होगा तो ये क्या करेगा? आपको कहां लीड करेगा? डाउन के ये कहां लीड करेगा आपको? माल न्यूट्रिशन, कुपोषण। बिकॉज कुपोषण क्यों आएगा?
क्योंकि आपका टाइमली फूड नहीं है। रात में खाना खाया, सुबह में नाश्ता नहीं किया, जबकि आपको हैवी ब्रेकफास्ट करना है, किंग साइज लाइक का ब्रेकफास्ट होना चाहिए। अच्छा, अगर आप खाना खा भी रहे हैं तो उसमें से प्रॉपरली एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा, यानी कि जो उसकी अंदर लेने की ताकत है वो आपके इंटेस्टाइन की इतनी कमजोर हो गई कि वो ले नहीं पा रहा है, और उस वजह से लैक ऑफ न्यूट्रिशन भी एक कारण है कि अगर आपके फूड के अंदर लैक ऑफ न्यूट्रिशन है। जैसे कि मान के चलिए सुबह का नाश्ते में आपने वड़ा पाव वगैरह खा लिया तो क्या होगा, न्यूट्रिशन नाम की चीज तो मिलेगी नहीं। और ऐसे ही बहुत सारे कारण है जो इसको इफेक्ट करते हैं। तो अगर मान के चलो कि आपका टाइमली फूड है, अच्छा एब्जॉर्प्शन है, न्यूट्रिशन से भरपूर है, तो आप कहां पे रहोगे, यहां। अगर ये सब चीज और उसके साथ में बहुत सारी चीजें हैं, स्ट्रेस वगैरह वो नहीं रहेगा तो कहां रहेगा। क्लियर हो रहा है अभी आपको? सो उसके अलावा सेडेंटरी लाइफस्टाइल आज हर कोई लेके चल रहा है, मुंबई कर में तो 99.99999% लोग इसी में अटके हुए हैं। स्ट्रेस कोई है जो बोल सकता है मैं स्ट्रेस में नहीं हूं? जंक फूड, इतना लेक्चर देने के बाद भी, सब कुछ होने के बाद भी जंक फूड तो पूरा पे पूरा है। उसके साथ में हमारी फूड हैबिट्स, फूड हैबिट्स का मतलब वही है, सुबह का आपका ब्रेकफास्ट हैवी, लंच हल्का, रात का डिनर तो एकदम हल्का लेकिन नहीं, और बीच बीच में थोड़ा सा मिड मील्स, पानी की अच्छी मात्रा, ये सारी चीजें, और ऊपर से हमारे पास जो फूड आ रहा है वो भी एडल्ट्रेटेड आ रहा है। आज दूध, दूध की बात करें तो प्योर मिल रहा है, फिर भी दूध से क्या आ रहा है? कोई है यहाँ पे जिसके घर में दूध नहीं आता है? दूध बिल्कुल नहीं आता आपके? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात, ग्रेट बात, दूध वाले मारेंगे पड़ेंगे। दूसरी बात है लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, और ये सारी चीजें लीड करती है लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। आज देखो एक आदमी आप बात करते करते आपके साथ में कहीं और निकल जाता है, उसको जाना होता है वेस्टर्न साइड में, वो दादर से पकड़ेगा सेंट्रल की गाड़ी, करेक्ट है? उसके बाद सुबह निकलते हैं, दोपहर तक आपकी एनर्जी कहां चली जाती है? थोड़ी डाउन, लेथार्जिक फीलिंग, काइंड ऑफ फ्रेश, कुछ करने की उम्मीद ही नहीं रहती है, वेट लॉस हो रहा है, मसल वीकनेस, मसल वीकनेस क्योंकि एक्सरसाइज नहीं है, जो करना है वो हमें होती नहीं है। यहाँ पे एक तो ये आएगा वेट लॉस, या तो ओबेसिटी, बैठे बैठे खा रहे पी रहे और मोटापा ले रहे हैं क्योंकि एब्जॉर्प्शन हो ही नहीं रहा है, सारा फैट्स में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसको, ये जो लाइफस्टाइल है इसको किस तरीके से हम रिवर्स करें? अब उसको रिवर्स करने का एक ही तरीका है, ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड इन योर डाइट, हर टाइम पे आपको डिफरेंट अलग अलग तरीके के फूड को खाना है। उसके बाद में आपके ब्रिक्स वॉक या आपका एक्सरसाइज के लिए आपको शेड्यूल करना पड़ेगा टाइम। परसों के दिन में शायद किसी सर ने मीटिंग लिया था, उसके अंदर मैंने जो इसकी बात की थी आपने गौर किया, जो हम लोग टाइम के साथ में चलना है हमको, डिसिप्लिन की बात की, तो वो मेन इंपॉर्टेंट होता है। अब यहां पर भी ये चीजें को ध्यान रखना, ये ब्रिक्स वॉक जो है ये हर एक के लिए नहीं है। अगर एक बंदा है वो 100 किलो के ऊपर है, आप उसको बोल दोगे ब्रिक्स वॉक कर, तो आप उसको घुटनों को तोड़ दोगे। ये सब चीज की भी जानकारी आपके पास होनी चाहिए, फिर तो आप वही कराओ, अपनी स्विंग एक्सरसाइज कराओ वो सबसे बेस्ट है, या साइकिलिंग कराओ या स्विमिंग कराओ, है ना। उसके बाद में आपके खुराक के अंदर बहुत सारा एंटीऑक्सीडेंट्स होना चाहिए, उसके लिए आपको रिवाइटल लेने की जरूरत नहीं है। आपकी खुराक इतनी मजबूत होना चाहिए कि उसके अंदर ये एंटीऑक्सीडेंट, क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट्स का ही काम होता है, जो आपका ऑक्सीजन न्यूट्रिशन का जो हमारा मिलन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, जो फ्री रेडिकल्स पैदा होते हैं उनको मारने की ताकत ये एंटीऑक्सीडेंट्स में होती है। उसके अलावा ओमेगा रिच फूड, आपके फूड के अंदर ओमेगा होना चाहिए, ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 7, ओमेगा 9। अब ये ओमेगा जो है कुछ बॉडी बनाती है, कुछ नहीं बनाती है, और नहीं बनाती है तो वो आपको राइट वे की खुराक से देना पड़ता है। उसके बाद में सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, कितने लोगों के पास है? बहुत अच्छी बात ये हमारे लिए कुछ गलती है कि डीएक्शन के सेमिनार में आके लोगों की एक चीज हम नेगेटिव से उसको पॉजिटिव में ला रहे हैं। आप अजय सिंह सर, और एक मेरे लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है, एक खुश नसीबी है मेरी कि ये प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन एक हमारे अच्छे आयुर्वेदा डॉक्टर होने के साथ में मुझे मौका मिला है, छोटे भाई को उन्होंने मौका दिया है, एक्चुअली उनको मौका मिला था लेकिन मुझे दिया,
तो आई एम वेरी मच प्राउड फील कर रहा हूँ उसके लिए और थैंक्स टू अजय सिंह सर कि आज ये मौका मुझे दिया है. थैंक यू अजय सिंह सर. ओके सो यहां पर अभी विल मूव टू सो यहां पर देखिए आर यू रेडी टू स्टार्ट एन एनर्जेटिक डे एंड एक्टिव लाइफस्टाइल. एक्टिव लाइफस्टाइल और एनर्जेटिक डे के लिए अब ऐसा नहीं है कि यहां पर जितने भी लोग हैं आप लोग आरजीजीएल वगैरह तो ले ही रहे हैं. देखो आरजीजीएल अनस्पेसिफिक है अभी भी मैं बोल रहा हूं. स्प्रिनुला भी अनस्पेसिफिक है करेक्ट है. बट ईमानदारी से बताइएगा कि कितने लोग उसको 1-2-4-6 का फॉर्मूला फॉलो करते हैं. जो अगर कोई चीज के अंदर अटके हैं वही कर रहे हैं. डायबिटीज में अटका होगा कहीं होगा उसको रिवर्सल करने के लिए अटका है. बट अगर हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए कोई कर रहा है बहुत रेयर मिलेंगे क्योंकि कॉस्ट इफेक्टिव वगैरह ये बहुत चीज को आपको ध्यान देना होता है. तो यहीं पे वही सब चीज का ध्यान में रखते हुए डीएक्सएन ने आपको लॉन्चिंग कराया है और वो है ये आपका डीएक्सएन सी बॉक्स फॉर्म. ओके तो ये सी बक्थॉन है. अब ये सी बक्थॉन क्या है वही समझना है बहुत इंपॉर्टेंट. अब यहां पर तो लिख दिया खाली कि एंटीऑक्सीडेंट सपोर्ट है, रिच सोर्स ऑफ ओमेगा 3679 है और आपकी बूस्ट एनर्जी करेगा. इतना काफी आपके लिए कि इसके अंदर और कुछ जानना है. तो इसका बॉटनिकल नेम जो है ना वो है हिपोहाइरामनॉइड्स और ये आपको हिमालयन के पहाड़ों में मिलेगा. इसकी पत्तियां, इसके सीड्स, इसका फ्रूट, इसका रूट और लीव्स, फ्लावर्स, ये सारी चीजें जो है काम में आती है. सबसे पहले चीज समझिएगा. उसके बाद इसका सबसे बड़ा रोल है वो है एंटी एजिंग प्रोसेस. 10 साल यंग होना है तो सी वर्क फॉर्म को लेना शुरू करो क्योंकि इसके अंदर मेन इंपॉर्टेंट है ये जो तीन चीजें चार चीजें जो मिल रही है 3679 ये इसके ऊपर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. हिमालय में पाए जाने वाला ये फ्रूट को होली फ्रूट कहा जाता है. कितने लोगों को पता था? सिर्फ 2 लोगों को और वो भी दोनों पीछे बैठे. ओके आयुर्वेदा के अंदर ये बहुत ही पॉपुलर रेमेडी है. उसके साथ साथ में ये ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन में भी प्रोस्टेट कैंसर के 8 PCM मेडिसिन के हर्ब्स में 2 आपके पास आ गया. एक आपका गैनोडर्मा और दूसरा सी बक्थॉर्न. अब 6 जो है वो अलग है उनके नाम में बात है. मेरा काम चालू है इसके लिए. इसके अलावा ये हेयर स्किन अगर इसको आप प्री इलनेस में लेते हो तो रिस्क ऑफ कैंसर कम करने का भी काम करता है. हार्ट डिजीज इस पर भी इसका वर्क होगा. वो कैसे होगा? क्योंकि इसके जो बेरीज है ये बेरीज दिख रहे हैं आप ये रिच सोर्स है विटामिन ए सी और के. अब विटामिन के जो है वो कॉगुलेंट के लिए यूज किया जाता है. जब आपको ब्लीडिंग वगैरह होती है तो वहां पर ये कॉगुलेंट का भी काम करता है. ओके उसके अलावा इसके अंदर आपको आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कॉपर, जिंक ये सारी चीजें भरपूर मात्रा में मिलती है. तो सर आ रहा हूं सब आए दोस्त. सीड्स और इसके लीव्स जो है वो फाइटोस्टेरॉल क्रम का एक एलिमेंट्स है उससे भरपूर है. अब ये फाइटोस्टेरॉल का काम क्या होता है पता है आपको? ये एक ऐसी चीज है जो कोलेस्ट्रॉल को ब्लॉक करेगा. मतलब आप कोई खुराक खा रहे हैं जैसे कि अभी आपको नाश्ता मिलने वाला है वो भरपूर ऑयली है खाइएगा बिंदा क्योंकि उसके बाद सी बक्थॉर्न खा सकते हैं. उसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है. समोसा कैसा होता है आपको पता है? कचोरी हो गई, गुलाब जामुन हो गया, व्हाटएवर इट इज, इसके अंदर जितना भी कोलेस्ट्रॉल है वो अंदर जाके बैड कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट होगा. उसको रोकने का ये सबसे बड़ा फाइटोस्टेरॉल का काम होता है जो इसके अंदर पाया जाता है. यानी कि अगर आप इसका रेगुलर सेवन करोगे तो ये आपके एलडीएल को कम करने में मजबूत करेगा. उसके साथ साथ आपका हाई डेंसिटी वाला जो लिपिड है जिसको हम एचडीएल कहते हैं अच्छा कोलेस्ट्रॉल को बनाने में भी मदद करेगा. ठीक है ये आपका इस तरीके से हार्ट अटैक आने का चांसेस को कम कर देता है. इसके अंदर दूसरी और चीज जो पाई जाती है वो है पाल्मिटोलिक एसिड. पाल्मिटोलिक एसिड बेटा इधर कम
थोड़ा काम हेल्प करो, ये टेबल को थोड़ा मान ले लेना एंड वो बोर्ड को यहां। मैं चाहता हूं कि जितने भी यहां लोग बैठे हैं उसकी एक एक बारीकी को समझे, ताकि मार्केट में देखे आपको ये जो है ना सी बक्सॉन बहुत मिलेगा, आपको नेगेटिव करने वाले भी बहुत कम मिलेंगे। जैसे स्पार्टुना के लिए हम कहते हैं कि 5000 कंपनी है एक बाजू में और डीएक्सएल का स्पार्टुना एक बाजू में, ठीक उसी तरह से आपको ये समझाने आना चाहिए। इधर ले लो और इधर ले लो, सीमा तो एक बाजू में, ये ताकत आपके पास होनी चाहिए। तो इसीलिए ये प्रिपरेशन में किया हूं कि इसको समझे और उसको अप्लाई करे। और कोई भी काम आग बंद करके नहीं करना किसी से भी, पहली बात तो ये है कि इसको पहले खुद सेवन करे, दूसरे को खिलाकर पीवी बनाने की कोशिश ना करे। इसका कलर क्या है, खाली बॉटल का कलर देख के नहीं चलेगा, इसका टेस्ट क्या है ये आपको समझना चाहिए। 18 या 20 तारीख को फिर से सेशन वाला आ रहा है, वहां पे मैं पूछूंगा इसका टेस्ट कैसा है और ये बाहर कैसा निकलता है वो भी पूछूंगा, ठीक है। ये सब चीज का बहुत ध्यान रखना, ओके या नहीं दिखेगा, आराम से दिखेगा। तुम्हारे साथ प्रॉब्लम है कुछ, विटामिन ए सी वक्त खाओ, ठीक है। काम करता है एसिड। अब इसका काम क्या है, सबसे बड़ी चीज है कि ये आपके स्कीन में पाया जाता है और इस वजह से ये आपकी स्कीन का जो मॉइस्चराइजिंग यानी कि नमी उसको मेंटेन करने का काम करता है और उस वजह से स्कीन की हीलिंग भी फास्ट होती है। जैसे कि एक्जिमा, सोराइसिस, इवन आपको जो एक्नी आता है उसके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंटली रोल प्ले करता है, ओके। ये आपकी स्कीन को प्रोटेक्ट करेगा क्योंकि इसके अंदर विटामिन भी भरपूर है, अनसैचुरेटेड फैट, एंटीऑक्सीडेंट जैसे कि फाइटोस्टेरॉल और कैरोटीनिन, कैरोटीनिन जो कैरोटीनॉइड्स, कैरोटीनॉइड्स आपको पता है ना स्पिरुलिना के बारे में, उसके अंदर भी पाई जाती है, एंड विटामिन ई और के जो कि स्किन के लिए काफी हेल्पफुल होते हैं, तो ये आपकी स्किन को भी हेल्प करेगा। सेकेंडली इसके अंदर जो मेन इंपॉर्टेंट चीज आपको समझना है वो है इसका ओमेगा का पार्ट, है ना। अब ये अच्छा, इसके अंदर एक और चीज मिलती है लिनोइक एसिड, जैसे गामा लिनोइक एसिड होता है ठीक उसी तरह से गामा लिनोइक एसिड यानी ओमेगा 6, ठीक है। इसका काम क्या है, ये आपके सोरियासिस वगैरह पे तो हेल्प करेगा, स्किन पे काम करेगा, प्लस ये आपकी इम्यून सिस्टम को मेंटेन करेगा। इसीलिए आप कहते थे ना स्पिरुलिना मदर सोर्स, मदर मिल्क के अंदर जीएलए मिलता है गामा लिनोइक एसिड, उसके बाद कहां मिलेगा स्पिरुलिना में, फिर यहां पर भी है, तो ये आपकी इम्यून सिस्टम को अच्छे से मेंटेन करेगा। हार्ट हेल्थ के लिए जैसे मैंने कहा फाइटोस्टेरॉल के बारे में बताया, ये वर्ड लिख के रखिएगा जो मेन इंपॉर्टेंट है, ये अंदर आपके कोलेस्ट्रॉल को बनने नहीं देगा, खाने के द्वारा जितना भी कोलेस्ट्रॉल जा रहा है उसको वो ब्रेक करेगा, ब्लॉक करेगा, अंदर ब्लड में जाने नहीं देगा। और इसीलिए उसके अलावा इसके अंदर एक चीज और है, वो है क्यूरसिटी। ये सब एलिमेंट्स के नाम है, ये क्यूरसिटी का काम है कि ये आपके हार्ट को मजबूत करता है, इसके अंदर ब्लॉकेज नहीं होने देता, तो ये आपका ट्राइग्लिसराइड बनने नहीं देगा, प्लस आपका ट्राइग्लिसराइड के साथ साथ आपके एलडीएल को कम करेगा और हार्ट को मजबूत। उसके अलावा टाइप 2 का डायबिटीज जो होता है, टाइप 1 नहीं टाइप 2, उसके अंदर ये इंसुलिन प्रोडक्शन में हेल्प अच्छा करता है और जिनको इंसुलिन सेंसिटिविटी का बीमारी है वहां पर भी ये अच्छे से हेल्प करेगा आपके, ओके। थर्डली इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथ तो करेगा ही, अगर आपका इम्यून सिस्टम अच्छा है तो अभी फिर से आंकड़े आना शुरू हो गए, है ना। तो आप स्पिरुलिना, ये सीबकथॉर्न करेक्ट है ना, इसके साथ में और क्या ले सकते हैं, गिलॉय गुडजी करेक्ट है, ये सब चीज का सेवन भी अच्छा कर सकते हो। अबव ऑल इसके अंदर एक और चीज पाई जाती है जो इसका विटामिन ए के साथ, ई के साथ में सजेस्ट है, वो है कि ये लीवर के सेल का हिपेटोगार्ड बहुत अच्छा करता है, लीवर सेल
सीबकथॉर्न अभी जाके मैंने हाथ में लिया हूँ। एक्चुअली मैं बताऊँ आपको, सीबकथॉर्न का जूस मेरे पास बहुत पहले आया था, किसी को पता चला था, मेरा वीडियो देखा था लीवर को लेके, और मेरे पास लेके आया था, मैंने उसको तब भगा दिया। मैं बोला मेरा गैनोडर्मा मेरे लिए काफी है, जरा सीबकथॉर्न क्या है पता नहीं, मैंने उसके बारे में स्टडी भी नहीं किया उसमें, क्योंकि अपने पास था ही नहीं तो क्या स्टडी कर। और ये जब से आया उसके पीछे भी इतने पेपर बनाना शुरू कर दिए, तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मेरे लिए और अच्छा सपोर्टिव वे में आ गया, दैट इज गोइंग टू हेल्प मी ऑल्सो। ओके, अबव ऑल क्यूरोसिटी, जो ये फ्लेवोनॉइड्स है उसका एक और काम है, ये कैंसर सेल को मारने का भी काम करेगा। मैडम तो आपको अभी 5G आ रहा है, और अबव ऑल फीमेल्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो भी बताता हूं, लेकिन उसके साथ में डाइजेशन इंप्रूव प्लस मेनोपॉज। आप लोगों की जो मेनोपॉज का इश्यू होता है, प्री मेनोपॉजल से लेके तो मेनोपॉज के अंदर ज्यादा करके ड्राइनेस फीलिंग बहुत आती है, नेजल ड्राइनेस आएगा, वजाइनल ड्राइनेस आएगा, ये सारी चीज को यहां पर इसके अंदर इतना ताकत है कि ये इसको मॉइस्ट रखने में हेल्प करता है, इससे आपकी फैमिली लाइफ बहुत अच्छे से गुजर सकती है। इसके अलावा कुछ लोगों को आप देखते हो कि जिनकी आंखें एकदम सुखी सुखी रहती है, बहुत से लोग बोलते हैं कि यार इसके आंसू ही नहीं निकलते, होता है ऐसा, कुछ लोग देखते हैं ड्राई आईज, उनके लिए ये काफी हेल्पफुल सी वक्त फॉर्म। लिख लीजिए ओके, रेडनेस और बहुत सारी दूसरी और चीजें हैं आईज के ऊपर हो गया। अब आते हैं 3679 का क्या काम, ये जो है ना इंपॉर्टेंट। तो देखिए 36 ये जो 7 है, ये 3679 जो है, ये ओमेगा जो उसके अंदर है, कि पहली बात तो ये कि ये राइट बैलेंस में हमें जाना चाहिए। 3679 ओमेगा जितना भी है, अगर ये नहीं जाएगा तो आपको क्रॉनिक डिजीजेस का सामना करना पड़ेगा। अब क्रॉनिक डिजीजेस कुछ भी हो सकती है आपकी, उसका आपको सामना पड़ेगा, जैसे कि डायबिटीज वगैरह में हेल्प करता है, तो श्योर ये डायबिटीज हो गया, हार्ट के लिए हो गया, कहीं ना कहीं भी ये आपको क्रॉनिक डिजीजेस का सामना करेगा, तो इसके लिए यहां पर इसको राइट बैलेंस में लेना चाहिए। अब इसके अंदर जो ओमेगा 3 और 6 है, ये पॉली अनसैचुरेटेड फैट होता है जो बॉडी नहीं बनाती, इसको हमें खुराक से ही लेना पड़ता है, और ये सबसे अच्छा सोर्स है उसको अंदर डालने का 3-6। अब ये 3-6 अगर हम डालते हैं तो इसका फायदा क्या होगा कि आपके अंदर जो सूजन की प्रक्रिया है, जो नॉर्मली हर इंसान फेस करता है, ज्यादा करके जो ट्रेन के अंदर सफर करने वाले लोग हैं ना, वेयर एंड टेयर फेस करते हैं, आप लोग को समझ में नहीं आता, ज्यादा करके वेस्टर्न और सेंट्रल में जो तब रश आवर्स में जो आप घुसते हो अंदर, आप जो बॉडी को अंदर जो मशक्कत करते हो ना, उस टाइम पे आपके जो टिश्यूज का जो डैमेजेस वगैरह होती है वो रिपेयर तो होती है, अपना हीलिंग करती है, तो वो हीलिंग को स्ट्रांग करने के लिए भी बहुत अच्छा ये है ओमेगा।